और अब क्रिकेट जगत की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग। आखिर क्यों टी20 लीग के दूसरे मुकाबले का फैसला सुपर ओवर से हुआ, ये आपको बताते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर खेले और 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। दिल्ली ये स्कोर नहीं बना पाती अगर मार्कस स्टोइनिस ने 21 गेंदों पर 53 रन ना बनाए होते। और जब पंजाब टारगेट का पीछा करने उतरी तो उसने दिल्ली के स्कोरबोर्ड को कॉपी कर लिया, यानी दिल्ली की तरह पंजाब ने भी पूरे 20 ओवर खेले, दिल्ली की तरह पंजाब के भी 8 विकेट गिरे और दिल्ली की तरह ही पंजाब ने भी 157 रन बनाए, इसलिए मुकाबला टाई हो गया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,